दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एससी से जमानत मिलने पर लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ऐसे में इसे लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, हेमंत सोरेन के बाद केजरीवाल, इस जमानत का स्वागत है। कांग्रेस नेता ने कहा कि ये मोदी सरकार पर तमाचा है जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है और भय आतंक का माहौल बना रखा है। तिवारी ने कहा कि सरकार सबक ले और विपक्ष के नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करे। यूपी का सियासी पारा इन दिनों हाई चल रहा है। सिद्धार्थनगर स्थित शोहरतगढ़ में अपना दल एस के विधायक विनय वर्मा का मामला अभी थमा नहीं था कि अब सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल एमएलए ज्ञान तिवारी अटल चौक पर धरने पर बैठे, इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई। पुलिस पर भड़के विधायक को मनाने के लिए अधिकारी पहुंचे। रेउसा के अटल चौक पर धरने पर बैठे बीजेपी विधायक ज्ञान तिवारी ने रेउसा एसओ घनश्याम राम पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने पर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इस बीच भाजपा नेता अमित मालवीय ने सीएम केजरीवाल की तुलना कुख्यात अपराधी से कर दी है, जिस पर अखिलेश यादव ने करारा जवाब दिया। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, दिल्ली के लोकप्रिय और जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की जमानत संविधान की जीत है। प्रसिद्ध कथाकार सच्चिदानंद जोशी ने जागरण संवादी कार्यक्रम में हिंदी उपन्यासों में भारत के चित्रण पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उपन्यासों में भारत का जो रूप दिख रहा है उसमें सिर्फ गरीबी और उत्पीड़न ही क्यों, क्या कुछ भी सकारात्मक नहीं है। इस चर्चा में उपन्यासकार प्रोफेसर उर्मिला शिरीष और साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने भी अपने विचार रखे। राज्य सरकार ने डीजीपी प्रशांत कुमार को उच्चतम वेतनमान देने का निर्णय लिया है। ये वेतनमान डीजीपी को प्रदान किया जाता है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी रहे डीएस चौहान को भी इसका लाभ दिया गया था। जानकारी के अनुसार प्रशांत कुमार को राज्य सरकार ने 31 जनवरी को कार्यवाहक डीजीपी बनाया था, जिसके बाद उन्हें उच्चतम वेतनमान देने का निर्णय लिया गया है। योगी सरकार के एक और मंत्री की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। ये मामला साल 2022 विधानसभा चुनाव का है, जब उनके खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। मंत्री अनिल कुमार विधायक कोर्ट में दी गई तारीख पर पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। सीएम योगी ने लखनऊ के राम मनोहर लोहिया संस्थान के चौथे स्थापना दिवस समारोह में 10 डॉक्टरों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा, डॉक्टरों को संवेदनशील होना बेहद जरूरी है। ये संभव नहीं कि एक ही मर्ज पर एक ही दवा फायदा करे। एक डॉक्टर के बारे में कहा जाता था कि जितना अनुभवी होगा उसका लाभ हमें मिलता है, फ्री के नाम पर दवा नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आज प्रयागराज पहुंचे। यहां पर नैनी के महेवा में आयोजित मुंज शिल्पग्राम मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर 20 सीट उनके पास होती तो वो भाजपा को जेल में डाल देते। कांग्रेस आपातकाल वाली स्थिति देश में लाना चाहती है। उपचुनाव को लेकर सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रभारी मंत्रियों के जिलों में फेरबदल किया। इसमें 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए। सिर्फ पीलीभीत और मिर्जापुर के प्रभार में कोई बदलाव नहीं किया गया। सीएम ने खुद के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक को 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। यूपी में दो अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। आईपीएस बलवंत कुमार चौधरी को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अयोध्या में तैनाती दी गई है, तो वहीं अभी तक अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद गाजीपुर में तैनात थे। तो वहीं आईपीएस अतुल कुमार सोनकर को अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद गाजीपुर में तैनाती दी गई है। वो अभी तक अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद अयोध्या में तैनात थे।